नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज़। तंदुरुस्त पंजाब मुहिम चलाने वाले पंजाब के सेहत विभाग के दावे उस समय खोखले साबित हुए जब पंजाब के पठानकोट जिले के धार ब्लॉक के कस्बा दुनेरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बच्चे की डिलीवरी करवाने आए लोगों को हेल्थ सेंटर पर ताला लटका मिला और मजबूरन उनको अस्पताल के प्रांगण में महिंद्रा जीप में ही डिलीवरी साथ में आई दो महिलाओं को करवानी पड़ी। हालांकि अस्पताल के बोर्ड पर 24 घंटे जनेपा सुविधा अंग्रेजी व पंजाबी भाषा में विशेष रूप से लिखा हुआ है। डिलीवरी करवाने आए लोगों ने बताया कि वे पास ही लगते हिमाचल राज्य से पहले 1 घंटा पैदल व फिर आधा घंटा जीप में सफर तय करके आए हैं और उन्हें यही निकट का सरकारी अस्पताल पड़ता है। खैर, डिलीवरी तो उन्होंने करवा ली, लेकिन टेटनस का टीका लगाने हेतु उन्हें 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। 4th क्लास के आने के बाद ही 108 के मुलाजमों के माध्यम से टीका लगाया जा सका। उल्लेखनीय है कि 18 गांव की सुविधा के लिए खुला ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर वर्ष भर से बिना डॉक्टर के व बिना फार्मासिस्ट के मात्र 1 नर्स के सहारे चल रहा है, वो भी आज छुट्टी पर थी। सरकार ने क्षेत्रवासी भगवान भरोसे छोड़ रखे हैं। पेश है इस संबंधी टीम एक्टिव न्यूज़ की एक रिपोर्ट। जा नैनीखड़ जा ना। भाई साहब, कहाँ से आए आप? आप रैना पिंड, नैनीखड़ पंजाब। अच्छा, रैना पिंड। और यहाँ किस काम के लिए आए हुए? डिलीवरी होनी थी। नहीं, आपकी बहू की डिलीवरी होनी थी, इसलिए आए हुए हैं। आप इस समय खड़े हैं दुनेरा पीएससी में, है ना? दुनेरा हॉस्पिटल में खड़े हैं और यहाँ जो सामने जो है ताला लगा हुआ है और आप यहाँ बाहर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं आप बाहर? डॉक्टर कोई नहीं है, दरवाजा बंद है। मैं आपने क्या काम किया? आपका डिलीवरी केस। आपका डिलीवरी केस था और अब करवाना है। जाओ अभी तो बच्चा हो गया है। अभी तो गाड़ी में बच्चा हो गया, लेकिन इधर है ही कोई नहीं है। अच्छा, गाड़ी में बच्चा हुआ। कितने बजे आए थे आप यहाँ? 7 बजे पहुँच गए। 7 बजे आप यहाँ पहुँचे और अब टाइम हुआ है 8 बज गए हैं और 1 घंटे से आप यहाँ हैं। और 1 घंटे से आपने किसी को फोन वगैरह किया? फोन करवाया था इधर एम्बुलेंस। अच्छा, फोन करवाया था। किसको? देखिए, नर्स को करवाया था, लेकिन वो अभी तक यहाँ आए नहीं। उनका क्या? अच्छा, उन्होंने उठाया नहीं है फोन। और आपकी जो डिलीवरी है वो किसने की है? यहाँ मैं घर के जो आए थे उन्हीं ने करवा ली है और यहाँ आप डिलीवरी के लिए आए थे और 1 घंटा आपको यहाँ हो गया है और अब यहाँ रुके हैं आप किसके लिए? वो टीका बच्चे को जो फर्स्ट इंजेक्शन लगता है उसके लिए आप यहाँ खड़े हैं और 1 घंटे से खड़े हैं। और कब तक आस है उनकी आने की? क्या पता, बोले 10 मिनट में आ जाएंगे तो अभी तक तो आएंगे। अच्छा, 10 मिनट। 1 घंटे में अभी 1 घंटे के बाद अभी 10 मिनट नहीं हुए उनके। बोलो। 1 घंटा लग गया सी ऊपर पिंड उतरदा थल्ले ना। जो आपका गाँव है रैना, वहाँ से नैनीखड़ तक 1 घंटा आप पैदल चल के आए और जे इसको उठा के लाए आधे रास्ते पर ऐसी 4-5 पर उठा के लाए। अच्छा, तो उसके बाद नैनीखड़ से गाड़ी करके यहाँ आए और यहाँ बहुत उम्मीद से आए होंगे आप। जहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल अच्छा बोले, ठीक है। आए थे नहीं, डॉक्टर तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, नर्स है। पानी पींदी है जी, की करना यही पानी पीते मैं दुनेरा 108 EMT मनिंदर। सुबह 7:15 पे केस आया था तो हॉस्पिटल खुलने का टाइम था 8 बजे तक। हमें उस टाइम 108 से एक इंटीमेशन आई थी कि पंडभूढ़ी गांव है, वहाँ पे एक सिक पर्सन है, उनका केस है। और जैसे हम गाड़ी लेके निकलने लगे तभी उतनी देर में ये गाड़ी आ गई। HP 73 ये नैनीखड़ से आए हैं, तो इनका डिलीवरी केस था जो कि गाड़ी में हो गया। इनकी जितनी हेल्प कर सके 108 की तरफ से की गई। और अब स्टाफ आया 8:20 पे इनका, तो अभी वो अपना इंजेक्शन जो भी इम्यूनाइजेशन जो भी करना है वो करने की कर रहे हैं, इंजेक्शन लेके आ रहे हैं। और वो स्टाफ में कौन है जी? स्टाफ में इस टाइम तो अभी आई थिंक ये क्लास 4 है, क्लास 4 है ना जी। दूसरा स्टाफ नर्स नहीं, स्टाफ नर्स बोल रहे हैं छुट्टी पे, वो तो है ही नहीं। और डॉक्टर तो यहाँ पे आई थिंक वैसे भी अवेलेबल नहीं है।